राशन कार्ड धारकों के लिए तीन बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली, राशन कार्ड लास्ट डेट 30 सितंबर तक रहेगी या इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि राशन लेने के लिए अब अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि राशन के लिए घर नहीं आना होगा, आप जहां रह रहे हैं वहीं आप राशन कार्ड की केवाईसी करा सकते हैं। तो अब ये तीनों बड़ी अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर राशन कार्ड की ये तीन बड़ी अपडेट जो है इससे कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट ये है कि राशन कार्ड लास्ट डेट 30 सितंबर तक रहेगी या आगे बढ़ाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड की लास्ट डेट 30 सितंबर तक ही है। अभी तक कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है, कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है जिसमें राशन कार्ड की लास्ट डेट बढ़ाने के लिए बात की गई हो। तो अभी आप लोगों को ये समझना है कि राशन कार्ड लास्ट डेट जो है केवाईसी की, वो 30 सितंबर तक ही है। कोई भी सूचना नहीं है, किसी अफवाह में ना रहें और जल्दी से जल्दी अपनी केवाईसी कंप्लीट करें। एक्चुअली राशन कार्ड के जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने अभी केवाईसी नहीं की है, उनकी संख्या अभी भी लाखों में है जिन्होंने केवाईसी नहीं की है। तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप 30 सितंबर तक ही अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। 30 सितंबर से आगे डेट बढ़ने की अभी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि 30 सितंबर से आगे डेट ना बढ़ाई जाए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि राशन लेने के लिए अब आपको अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। एक न्यूज चैनल से पता चला है कि यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। राशन कार्ड लेने के लिए लोगों को अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार ने लोगों के राशन कार्ड से मोबाइल नंबर को जोड़ दिया है, इसलिए अब लोगों को ओटीपी के जरिए राशन मिल जाएगा। अभी ये व्यवस्था यूपी के कानपुर में शुरू की जा रही है, धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इससे वृद्ध लोगों को और विकलांग लोगों को भी फायदा होने वाला। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि केवाईसी के लिए अब किसी को भी घर नहीं आना होगा। जो जहां रह रहा है वो वहीं पर केवाईसी करा सकता है। ऑल इंडिया आप कहीं पर भी हो, आप राशन कार्ड की केवाईसी करा सकते हैं। सरकार ने यह ऐलान उन राशन कार्ड धारकों के लिए किया है जो राशन कार्ड धारक बाहर रहते हैं और वो ई केवाईसी कराने नहीं आ सकते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आप वहीं पर राशन की दुकान पर जाकर ई केवाईसी करा सकते हैं। सरकार ने ये आपको राहत दी है कि आप कहीं से भी ई केवाईसी करा सकते हैं। तो आप अपनी ई केवाईसी कहीं पर भी संपन्न करा लीजिए। ये आपको डिस्प्ले पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। यदि आपके राशन कार्ड केवाईसी करने से वहां पर कोटेदार जो भी हो वो आपको मना कर रहा है, वहां पर जो राशन की दुकान है यदि वो आपको मना कर रहे हैं कि आपकी केवाईसी यहां नहीं हो सकती है, तो आप इस टूल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपकी केवाईसी वहीं पर हो जाएगी जहां पर आप रह रहे हैं। एक्चुअली घर के कुछ लोग बाहर रहकर जॉब करते हैं और उनको केवाईसी के लिए यहां आने का समय नहीं है, तो ऐसे में उनका नाम कटने का डर है। हो सकता है कि वो केवाईसी कंप्लीट ना हो और उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाए। तो इसके लिए आप वहीं पर अपनी केवाईसी करा लीजिए जिससे आपका नाम राशन कार्ड से हटने ना पाए। तो ये बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताना जरूरी समझा। और इसी प्रकार से राशन कार्ड केवाईसी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी वह मैं आपको समय पर उपलब्ध कराता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये न्यूज मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।